रविंद्रपुरी जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर दर्शनों की संख्या में पहुंचे कुवार बाजार के ग्रामीणों ने जन सुनवाई कर रहे मंत्री रविंद्र जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ग्राम सभा कुवार ताड़ी बाजार बहरी निवादा के मूल निवासी व व्यवसायी हैं और भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी है और प्रार्थी संजय कुमार गुप्ता और उनके संगठन वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष वाराणसी के पद पर कार्यरत है। आपको बता दें उपायुक्त मार्ग का चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग में बसने कुवार तोड़ी निवादा काफी पुराने बाजार है। बाजारों में प्रार्थी गण के मकान हैं और उसी में उनका व्यवसाय भी है जिससे उनका परिवार सहित जीविका रूपार्जन होता है। आपको बता दें ज्यादातर मकान आजादी के पूर्व के हैं और उक्त मार्ग के चौड़ीकरण में 11 जुलाई 2023 को निशान लगाया गया था और वो 14 जुलाई 2023 को दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने मकान तोड़ने की उद्घोषणा कर दिया गया। कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया। जब सड़क चौड़ीकरण का घोषणा हुआ तब से ही प्रार्थीगण लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक वाराणसी का चक्कर लगा रहे हैं। ये जानकारी के उद्देश्य से कि सड़क की चौड़ाई रिकॉर्ड में कितनी है व कितना बनेगा, विभाग द्वारा भी मुआवजे का क्या प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई समुचित जानकारी नहीं दी गई है। 21 मार्च 2023 से प्रार्थीगण संजय कुमार गुप्ता और राम जीवावन गुप्ता अधिशाही अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक सहायक अभियंता व अवर अभियंता से जानकारी लेना चाहे बिना कोई उचित कार्यवाही दिए वहीं एकाएक लाल निशान लगा देना और दो दिन के अंतराल पर तोड़ देने की घोषणा कर देने से प्रार्थीगण परिवार सहित काफी परेशान व भयभीत है। इस समय बरसात का समय है, इस दौरान मकानों में तोड़फोड़ व फिर उनको निर्माण कराना काफी दिक्कत का कार्य है। प्रार्थीगण का मकान काफी पहले से ही आजादी के पूर्व का बना हुआ है और ज्यादातर आबादी में बना हुआ है। सभी मुख्य बाजार आबादी में ही बसे हुए हैं। सड़क को एकाएक काफी चौड़ा बाजार के बाहर 7 फीट और बाजारों में 11 मीटर किए जाने से उक्त बाजारों के काफी लोगों का आशियाना उजड़ जाएगा। इस संबंध में प्रार्थीगण माननीय विधायक और पंडरा और माननीय सांसद मछली शहर प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार से संपर्क किया गया। आपको बता दें कि माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी द्वारा दिशाही अभियंता को निर्देशित भी किया गया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। के पहले हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले थे, माननीय मंत्री जी द्वारा एक्शन PWD CD1 को बोला गया था, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर तब हम अपनी गुहार लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी गए थे। आज पुनः यहाँ माननीय मंत्री जी से मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर आज भी माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मंडल आयुक्त महोदय से और PWD के एक्सीजन से बात किया गया है। अब वहाँ हम लोग मिलने जा रहे हैं और अपनी मांग अपनी समस्या विभाग द्वारा 11 जुलाई को चिन्हांकन किया जाता है, उसके बाद 14 जुलाई को अनाउंस करा दिया जाता है कि सभी लोग अपने मकानों को दो दिन के अंदर तोड़ लें, नहीं तो भय का माहौल पैदा कर रहे हैं एकदम। बुलडोजर द्वारा मकानों को तोड़ दिया जाएगा और उसकी वसूली भी आप ही लोगों से की जाएगी। मतलब नाम बता दो। मैं शुभम जायसवाल, जिला सब मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भाजपा के मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। अपना परिचय दे। अजय केसरी, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज उत्तर प्रदेश। किस तरह का आज आप लोग दे रहे हैं ज्ञापन और क्या मांग रखते हैं? हमारे संजय जायसवाल जी कुमार बाजार से प्रधान हैं और कुमार बाजार में जैसा कि जो आप जान ही रहे हैं ताड़ी निवादा चारों तरफ के व्यापारी हैं और सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विकास पुरुष के रूप में पहचान है। जो सड़कें सिंगल थी अब जो डबल, जहाँ डबल थी अब जब 4 लेन होने जा रहा है, तो इसी विकास के तहत ताड़ी निवादा कुमार बाजार जो एयरपोर्ट से बाबतपुर से रोड जा रही है उसको चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव में हमारे व्यापारियों का मांग है कि जिन लोगों के मकान हैं दुकान हैं वो मुआवजा प्राप्त करें। अधिकारियों का आप स्थिति जानते ही हैं कि अधिकारी जो है किसी के हित की बारी बात नहीं सोचते, नहीं करते हैं, वो अपने हित की बात करते हैं। और आपके इस मामले को प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में भी दिया गया है और लोकप्रिय व्यापारी नेता श्री रविंद्र जायसवाल जी यहाँ अभी बैठे थे, उनको भी अवगत कराए हैं और कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापारी वर्ग से उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व करते हुए श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी,
कल हो सकता है कि उनके माध्यम से जतिन प्रसाद जी और मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखा जाएगा, क्योंकि जतिन प्रसाद जी भी मैं जानता हूँ कि इस मामले में जब मुआवजे का बात आएगा तो मुआवजे देने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री जी को है।